बादा जेल में बंद बाहुबली नेता और माफिया मुख्तार अंसारी का गुरुवार को निधन हो गया। बता दें कि मुख्तार की तबीयत पिछले कुछ दिनों से लगातार खराब बताई जा रही थी। वहीं कल रात जब उसकी सेहत ज्यादा खराब हुई तब आनंद फानंद में उसे बादा मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां इलाज के दौरान कार्डियक अरेस्ट होने से उसकी मौत हो गई। मुख्तार की मौत के बाद एक लेटर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस लेटर में मुख्तार द्वारा लगाए गए कई आरोपों का जिक्र है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर, मैं सतेंद्र शर्मा। बता दें कि मुख्तार ने 21 मार्च को एक लेटर बादा कोर्ट को भेजा था। यह लेटर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वही लेटर है जो मुख्तार अंसारी ने लिखा था। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि साहब, मुझे खाने में 19 मार्च की रात में कुछ विषाक्त पदार्थ मिला कर दिया गया था, जिससे मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई। ऐसा लगता है मेरा दम निकला जा रहा है और घबराहट का एहसास हो रहा है, बल्कि इससे पहले मेरा स्वास्थ्य ठीक था। कृपया मेरा सही से डॉक्टरों की टीम बनाकर इलाज करवा दीजिए। इससे पहले भी 40 दिन पूर्व मेरे खाने में विषाक्त पदार्थ मिला दिया गया था, जिसे जब चेक कर स्टाफ ने दिया तो प्रार्थी समेत पूरे स्टाफ की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसका भी इलाज किया गया था। वहीं आपको बता दें कि लेटर की शुरुआत हुई है प्रार्थना पत्र विजवान मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के पिता हैं, बर्जी टोला यूसुफ नगर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर, फौजदारी में मामला निवेदन किया गया है। इसमें पहला जो लिखा गया यह कि प्रार्थी जनसेवक और राजनीतिक व्यक्ति है। यहाँ पे जनसेवक और राजनीतिक व्यक्ति मुख्तार अंसारी को बताया गया है। साथ ही प्रार्थी विधानसभा क्षेत्र 356 मऊ सदर से सन 1996 से 2022 तक लगातार 25 वर्ष तक विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए, यानी कि लगातार 5 बार वह विधायक रह चुका है। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र 356 सदर जनपद मुख से प्रार्थी का पुत्र अब्बास अंसारी विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुआ है। यानी इस लेटर में यह भी लिखा गया है कि मुख्तार अंसारी का जो पुत्र है अब्बास अंसारी, वो मौजूदा समय में विधायक है। आगे इसमें लिखा गया है कि यह कि प्रार्थी ने उपरोक्त फौजदारी बात में विगत तिथि 20-3-2024 को जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माननीय न्यायालय के समक्ष यह कहा कि प्रार्थी को दिनांक 19-3-2024 की रात्रि को भोजन में जहर देकर जान से मारने की कोशिश जेल प्रशासन के माध्यम से की गई थी। इसके पूर्व में भी प्रार्थी को बांदा जेल में ही 2 बार जान से मारने का षड्यंत्र रचा जा चुका है। वहीं जो चौथा लाइन में 4 नंबर करके एक और लिखा, इसमें बड़ा आरोप लगाया गया है पुलिस प्रशासन पर और जो मौजूदा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनका गाजीपुर से संबंध है, उनका भी इसमें जिक्र किया गया है। आगे आपको सुनाते हैं। यह कि प्रार्थी को विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि प्रार्थी की हत्या का षड्यंत्र उपराज्यपाल जम्मू एंड कश्मीर माननीय मनोज सिन्हा जी, माफिया डॉन व भाजपा समर्थित एमएलए सी पैच, माफिया डॉन व भाजपा समर्थित एमएलसी ब्रिजेश सिंह, भाजपा विधायक सुशील सिंह, पूर्व आईजी एचटीएफ श्री अमिताभ यश एवं प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश द्वारा रचा गया है तथा सरकार द्वारा उक्त पदासीन अधिकारियों को प्रार्थी की हत्या के बाद कानूनी कार्रवाई से बचाने का भी आश्वासन दिया गया है। 5वें नंबर में लिखा है कि यह कि शासन द्वारा एक साजिश के तहत जेल के भीतर अभियुक्त प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी को गोली मारकर हत्या की जा चुकी है। भाजपा सरकार में जेल के ही अंदर एक षड्यंत्र के तहत कई लोगों की हत्या की जा चुकी है। 6वें नंबर में लिखा है यह कि प्रार्थी की प्राण की रक्षा के लिए उपयुक्त व्यक्तियों व जेल प्रशासन द्वारा की जा रही षड्यंत्रकारी योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त लोगों पर विधिक कार्रवाई एवं प्रार्थी की प्राण की सुरक्षा के लिए आवश्यक आदेश निर्देश जेल प्रशासन जिला कारागार बादा जनपद बादा को दिया जाना चाहिए। ऐसा मुख्तार अंसारी के लेटर में लिखा गया है जो 21 मार्च को जारी किया गया था, कोर्ट के पास भेजा गया था। लास्ट में प्रार्थना लिख करके एक शब्द लिखा गया है कि अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी की प्राण की रक्षा के लिए उपयुक्त व्यक्तियों एवं जेल प्रशासन द्वारा की जा रही षड्यंत्रकारी योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुए विधिक कार्रवाई एवं प्रार्थी की प्राण की सुरक्षा के लिए आवश्यक आदेश निर्देश जेल प्रशासन जिला कारागार बादा जनपद बादा को देने की कृपा करें। प्रार्थी मुख्तार अंसारी, इसमें अभियुक्त प्रार्थी मुख्तार अंसारी का जिक्र किया गया है। ये लेटर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है मुख्तार अंसारी की मौत के बाद। लेकिन जिस तरह से उसने 21 मार्च को यह अंदेशा लगाया था, उसके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, खाने में जहर मिलाया जा रहा है। हालांकि जब कोर्ट में मामला गया था, कोर्ट में जेल प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि ऐसा कुछ नहीं मामला है, मुख्तार अंसारी जैसे जब अपराधी हैं उनको खाना देने से पहले
उसको चेक किया जाता है, जेलर द्वारा चेक किया जाता है, दो तीन लोगों के द्वारा और चेक किया जाता है, वो लोग खुद खाना चखते हैं, उसके बाद इस तरह के अपराधियों को खाना दिया जाता है, तो जहर देने की कोई बात ही सामने नहीं आती है। लेकिन मुख्तार अंसारी के द्वारा सीधे तौर पर कहा गया था, उसे जान के मारने की धमकी दी जा रही है और स्वीट प्वाइजन दिया जा रहा है उसके खाने में, जिससे उसकी मौत हो जाए। लेकिन 10 से 10:30 का वो टाइम जब मुख्तार अंसारी के मौत की खबर सामने आती है, उसके बाद से चर्चा शुरू हो जाती है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, वह क्या रीजन है, क्या कारण है कि मुख्तार अंसारी मारा गया, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने स्वीट प्वाइजन देने का आरोप लगाया था। वहीं आपको बता दें कि आज उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और आज ही उसे सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा उसके परिवार की मौजूदगी में। लेकिन इस पर आप सभी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर। धन्यवाद।